सुशांत सिंह राजपूत का केस लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर विकास सिंह सीतामढ़ी, जो कि सीतामढ़ी जिले के रहने वाले हैं, उनके हाथ ये केस आने के बाद सीतामढ़ी जिले में खुशी की लहर है। यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि शायद अब सुशांत सिंह राजपूत को पूरा इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ आज हम विकास सिंह की जिंदगी पर भी कई खुलासे करने वाले हैं। बता दें कि मनमोहन सिंह सरकार में असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं विकास सिंह। बता दें कि विकास सिंह की मांग के बाद ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी। बता दें कि वकील सिंह विकास सिंह ने ही सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठाए थे, और इसी के साथ उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया था कि मुंबई पुलिस सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, इसलिए पटना में रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ी सुशांत के परिवार को। बता दें कि विकास सिंह सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड अंतर्गत मझेलिया गांव के ही रहने वाले हैं। उनका गांव मंझोलिया स्टेट कहलाता है। विकास सिंह के पिता सुरेश सिंह इनकम टैक्स कमिश्नर हुआ करते थे। बता दें कि बाबा लाल बाबू सिंह स्टेट के जागीरदार थे। इतने शानो शौकत वाले उस परिवार से ताल्लुक रखने के कारण जिले में लॉयर विकास सिंह का नाम हर कोई जानता है। बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वरिष्ठ लॉयर विमल शुक्ला ने सुशांत सिंह राजपूत का केस विकास सिंह के हाथ में आने पर अपनी खुशी जाहिर की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि सुशांत मामले पर जांच सही तरीके से होगी और सुशांत के साथ सुशांत के परिवार को भी इंसाफ मिलेगा। बता दें कि विकास सिंह शादीशुदा है और उनकी पत्नी है और परिवार भी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रहे वकील विकास सिंह अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सुशांत सिंह को इंसाफ दिलवाने की। नेशनल लाइव से रजनी की रिपोर्ट।